मीडिया के माध्यम से कुछ इस प्रकार की खबरें आई थी कि श्री कोटार साहब कुछ वित्तीय अनियमितता एवं प्रशासनिक अनियमितताएँ कर रहे हैं, तो माननीय कलेक्टर सर के निर्देश से हम निरीक्षण करने आए थे कि कहीं ऐसी कोई स्थिति तो नहीं है। लेकिन यहाँ निरीक्षण के दौरान मैंने पाया कि ऐसा मुझे कुछ देखने को नहीं मिला है, जबकि कोटार साहब यहाँ उपस्थित भी नहीं मिले और श्री असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन यहाँ उपस्थित, उनसे भी मैंने जानकारी ली कि कोई किसी भी प्रकार की आज की तिथि में उनके द्वारा कोई आदेश या निर्देश दिए गए हों, तो ऐसा भी मैंने रिकॉर्ड भी चेक किया है, ऐसा कुछ नहीं पाया गया। एक माननीय न्यायालय का प्रकरण था, तो उस प्रकरण के संबंध में उन्होंने एक आदेश किया है जो सुबह के समय किया है, तो उसमें मुझे कमिश्नर साहब के द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई है आप? एक्चुअली कमिश्नर साहब द्वारा एक टीम निर्धारित की गई थी जिसमें दो लोग सागर के थे और बाकी लोग हमारे जिला कौशालय के थे, तो इन लोगों ने शिकायत के आधार पर बिंदुवार जांच की थी, उसका प्रतिवेदन माननीय कमिश्नर महोदय को प्रस्तुत किया था, उसके संदर्भ में ये कार्रवाई की गई।